आज शोभा यात्रा निकाली गई भगवान शोभा विश्वकर्मा के, कैसी रही है? बहुत अच्छी रही जी, बहुत अच्छी रही। और भगवान विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय, आनंद आ गए जी। ऐसे पहले कभी निकली है? कभी नहीं निकली, पहली बार निकली है। हमारी सूरत में तो कभी बिरादरी ने कभी नहीं निकाली, हमारे पांच सालों की तो अभी निकली है जी। क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। पांच साल समाज में हमारे बिरादरी ने ये काम उठाया तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार निकाली गई? हाँ, पहली बार निकाली गई है जी। हाँ जी, हाँ जी, पहली बार निकाली हुई है, बहुत अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? संतोष। तो अब इस समय जो शोभा यात्रा खत्म हुई है, कितने लेडीज इकट्ठी हुई हैं? बहुत सारी हुई थी इकट्ठी, तो पर अब लेकर गई हैं। गिनती नहीं है? गिनत लगा जी हमें, पहली बार हमारी पांच सालों की ये यात्रा निकाली गई, बहुत अच्छा लगा। हम ये कहे हर साल तरक्की हो, आगे बढ़े। आप भी आ जाओ, बताओ आप भी। बताओ, बहुत अच्छी रही है। नाम क्या है? रचना। तो ये पहली बार आपने देखी है? हाँ, ऐसा पहली बार ही देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है विश्वकर्मा शोभा यात्रा निकाली और इस समय मौजूद भी है, इस समय क्या कार्यक्रम रहा? ये हमारे यहाँ पे पहली बार बनाई गई है विश्वकर्मा जयंती। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैंने ये फर्स्ट टाइम फंक्शन देखा विश्वकर्मा जयंती का यहाँ पे, और बहुत जोर शोर से मनाया गया है। इसमें लेडीज की भरपूर मात्रा थी और बहुत अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट किया गया है। क्या संदेश देगी ये शोभा यात्रा आप? इस हमें संदेश देना चाहिए कि ये विश्वकर्मा जयंती हमेशा हर साल हमेशा मनानी चाहिए। ये शोभा यात्रा क्या संदेश देगी? ये शोभा यात्रा में ये संदेश देती है कि हमें भाईचारे को हमेशा एक साथ रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमेशा इसको हमेशा साथ में निभाना चाहिए। ये बताइए, आज भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकालेगी, पहली बार कार्यक्रम हुआ है? पहली बार हुआ पलवल में, इसी संगठन ने निकाला, इससे पहले जो भी संस्था बने किसी ने। अब जबकि पहली बार आपने देखा है, इतनी उम्र हो गई भी आपकी, कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, और सिर्फ थोड़ी सी वो एमएलए साहब के पहले आने से थोड़ा सा गोदरेज वो कम रह गई गैदरेशन, और बाकी बहुत ज्यादा हो जाती। क्या संदेश देती है आज की शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा से ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ये इष्ट देवता है, इसकी जो करो और सब इस संगठन में रहो, संगठन बनाओ और संगठन के संगठन को मजबूत होने में सहायता मिलेगी, इससे मजबूत करने में बहुत सहायता मिलेगी। और हम ये चाहते हैं, लक्ष्य बनाकर चला नहीं वो जीवन पार करेगा कैसे, और जिसने पथ पर कदम नहीं बढ़ाया वो मंजिल पार करेगा कैसे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आज इस समाज से निवेदन भी है, एक झंडा के नीचे आकर के इस पर भगवान विश्वकर्मा की शरण में आकर के, और हम इस मतलब एक समाज को एकत्रित करें और समाज के उत्कर्ष के क्षितिज पर लेकर जाएं, और उत्कर्ष समाज के जितने भी विकास के कार्य हैं उनको हम रुकने ना दें और सब मिलकर के कार्य तक करें, ये सबसे बढ़िया होगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर संदेश दिया है कि बिखरा हुआ समाज को एकजुट करने की शक्ति और प्रेरणा यहाँ से मिले, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया गया है ताकि हमारा समाज संगठित हो, इकट्ठा हो, और हम लोग सभी मिलके ऐसे ही प्रोग्राम करें और हर साल करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारा YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उसको कमेंट भी करना। हाँ बिल्कुल करेंगे, बहुत करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे ये जो आज शोभा यात्रा निकली, पहली बार निकली है, कैसे कहेंगे? हमारे 5 साल की उम्र हो गई, पहली बार देखी हमने जी, बहुत अच्छा लगा जी हमें बहुत ज़्यादा, और हमने आगे के लिए संकेत दिया है, आने वाली पीढ़ी ऐसी निकालती रहे, अच्छा लगा। हमारे पूर्वज थे विष्णु भगवान, तो उनकी जो यात्रा निकली हम बहुत अच्छा लगा, बड़ा दिल गदगद हो गया हमारा देख के, दिल गदगद हो गया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लगा जी यार। आप क्या कहेंगे, आनंद आ गया? भाई साहब कहेंगे कोई बात नहीं, आप बोलो जी। मैं तो जो कह रहा हूँ, हर साल ऐसे ही निकले, बढ़िया निकले। हाँ, बाबा विश्वकर्मा की जो निकाली है बहुत मलूक, और पूरे शहर में ना हर आदमी ऐसा लगे भाई पहली बार, आनंद आएगा। अच्छा, जो कमी रहेगी वो अगले साल दूर होगी? हाँ, अगले साल पूरी हो जाएगी और ज्यादा। अच्छा, नाचे भी हो आप? अरे नाचे भी खूब नाचे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा जी कि बहुत अच्छी शोभा यात्रा, सभी लोगों का सहयोग रहा है और सर्व समाज का सहयोग रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है, पांचाल समाज ही नहीं सर्व समाज का सहयोग रहा है, मंगला जी का और हमारे मनोज बंधु जी का हमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, और हमारी जो ये आज कार्यक्रम जो सफल हुआ है ये मनोज बंधु जी की ही मेहरबानी से हुआ है, उनको पद दिया गया सरकार द्वारा वाइस चेयरमैन का। हाँ ठीक है जी, वो इस योग्य थे और ओबीसी समाज का सरकार ने सहयोग किया है, हम इससे भी बहुत खुश हैं। अच्छा, आपका जो पिछड़ा वर्ग है उसमें कितनी बिरादरी आती है? ये फिलहाल जो वैसे तो 72 बिरादरी आती है पूरे हरियाणा में, लेकिन पलवल तहसील के अंदर
इसमें 22 बरादरी है फिलहाल। सभी एकजुट है, सभी सारी बरादरी एकजुट है। ओबीसी ही नहीं जी, इसमें जो है जनरल कास्ट भी और ब्राह्मण है या कोई भी है, सारा सभी 36 बरादरी का सहयोग है और 36 बरादरी के लोग आए हैं। आप भी कभी सोचते होंगे करिश्मा हो, एकजुट हो सभी, तो अभी एकजुट हो गए हो आप? हाँ बिल्कुल हो गए हैं जी, और सभी का सहयोग रहा है जी एकजुट होने में। क्या कहेंगे ये पांचाल समाज की, और जो हम लोगों ने एक कार्य उठाया है बहुत ही एक उम्दा है, और इसमें सब लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया है। सारे हमारे पांचाल समाज के दूर दूर से गांव से आए लोग सबने हमें पूरा सहयोग दिया है, पूरा साथ दिया है, और ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही उम्मीद से ज्यादा सक्सेस हुआ है। ये आप लोगों ने भी देखा है और पूरे पलवल ने देखा है। अभी तो पीछे लोग बता रहे थे कि 62 साल की उम्र हो गई है और पहली बार देखा हमने। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये झांकियों का प्रोग्राम आज तक पांचाल समाज ने कभी नहीं किया। ये हमने इस बार सोच के रखा था कि भाई पांचाल समाज इस बार बहुत ही मतलब अच्छी तरह से और बढ़िया सब समाज मिलकर के झांकी का प्रोग्राम निकालेंगे, और अब ये आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। ये पांचाल समाज विकास संगठन ये बहुत ही एक ईमानदार और कर्मठ संगठन बना है। भरत जी, बच्चे बूढ़े और जवान सारी शामिल थे आज। भाजी बड़ी इतनी खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम हुआ है। छोटे बच्चे से क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, पढ़े लिखे क्या, अफसर क्या, हमें सबका योगदान मिला है और सबकी भीड़ बहुत अपार रही है। और आज ना हर लोग बाग जो ये जिसने झांकी जो देखी है वो उसका बिल्कुल रोम रोम खुशियां, विश्वकर्मा भगवान की जयकारे लगे हैं। और सब इस भगवान विश्वकर्मा जी की ना आज जो झांकी निकली है कभी किसी ने देखी नहीं, और सभी बरादरियां जो जातियां निकालती थी आज हमने हिम्मत वो संभाली है, पांचाल विश्वकर्मा पांचाल विकास संगठन, और इन्होंने एक महीना से कर्मठ मेहनत करके हर गांव जाकर हर गांव से बुलाए लोग, हर परिवार से बुलाए, हर बस्ती से बुलाए, हर शहर से बुलाए, बल्लभगढ़ किया, फरीदाबाद किया, और इतनी जो भीड़, अपार जो भीड़ समर्थन मिला हम सब है योगदान विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद। कितना मानते हैं विश्वकर्मा भगवान को? मानते हैं वंशज हैं हम, भगवान विश्वकर्मा को सबसे ऊपर मानते हैं। उनके आदर्शों पे कितना चलते हैं? मैं आदर्शों पर चल रहे हैं और जो उनके बताए हुए रास्ते हैं हम उन्हीं पर चलते हैं। और रही बात ये जो हमारे समाज की जो कुरूतियां हैं, हमारा ये जो संगठन बनाया हम इस पर भी ध्यान देंगे, और जो आजकल दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ये जो भी ये चल रही है जो सामाजिक कुरूतियां हैं, जो हमारा जो संगठन है इस पर भी चढ़ बढ़ के काम करेगा, और हम समाज के साथ जुट के काम करेंगे और समाज का आशीर्वाद हमारे साथ। आपके वैभव क्रांति जो चैनल है इसका इतना विशेष हमें धन्यवाद है कि इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लोग बागों तक पहुंच गए, और आपने जो हमारी खबर दिखाई है हम इसका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बार बार हार्दिक धन्यवाद वैभव क्रांति चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा हमें सहयोग मिलता है, और इसमें भूटानी टीम का और भूटानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है, हम चाहते हैं कि जो भी एक संगठन होता है एकता की बात जहाँ होती है हम वहाँ पहुँचते भी है, उनका सहारा देने की कोशिश करते हैं। हाँ आप जो है हर जगह मिलते हैं जी, और आपका हर जगह पे जो सहयोग होता है, यूट्यूब पर हम भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, मोबाइल पर भेजते हैं, हम टीवी पर नहीं होता लेकिन मोबाइल पर आता है। पलवल में 95% लोग आपके जो है चैनल को देखते हैं जी, और जो आप खबर जो टेलीकास्ट करते हैं वो घर घर में पहुंच जाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।